द वर्ड इन माई वर्जन नामक कविता संग्रह का विमोचन आज मोहाली के प्रेस क्लब में किया गया। इस कविता पुस्तक को श्रोमणी साहित्यकार मनमोहन सिंह दाऊ द्वारा किया गया। कहते हैं कि बच्चों के मन में परमात्मा का वास होता है। ऐसा ही एक उदाहरण मोहाली के प्रेस क्लब में देखने को मिला, जब एक 11 साल की बच्ची ने कविताओं की पुस्तक लिख डाली। आज के जमाने में अक्सर बच्चों को वीडियो गेम्स, मोबाइल ऐप, सोशल नेटवर्किंग आदि में घुसे हुए देखा जाता है। ऐसे में कविताओं की पुस्तक लिखना एक अजीब और अनूठी कला है, जिसे मोहाली की गीत कौर ने कर दिखाया। गीत कौर कुंद्रा और मेरा बुक, मेरे सारे पोइम्स के बारे में जो भी मैं 6 साल से लिख रही हूँ, जो पोइम्स कि जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं उसको लिख के फिर मैं दिखाती हूँ अपने मामा पापा को, और वो बहुत खुश होते हैं कि मैं कितनी क्रिएटिव चीज़ें करती हूँ। और मेरे को लगता है कि जो भी मेरे पोएम्स हैं वो सारे लाइफ के ऊपर हैं, मतलब उनका थीम लाइफ ही है और बहुत पॉजिटिविटी है उनमें। बेटा कितनी पोएम है इसमें? 30। ये है चैम्पियन। Nobody listens, only the sun glistens. You can't take me down, I'm the queen of the crown, because I am a champion. But enemies say it's just all fake. I'm going to walk my own way. I'm going to cross these obstacles. I will do the impossible. आगे मेरे को सिंगर बनना। हाँ जी, हम बहुत प्राउड हैं अपनी डॉटर से। बहुत ये चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करती है और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है अपनी फीलिंग्स को, और कुछ ना कुछ करती रहती है, लिखती रहती है। और जब भी कोई पोएम इसकी बन के आती है, ये हमें दिखाती है, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसी थॉट्स भी कैरी करता है अपने दिमाग में। तो इसके लिए इसको लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये जब लिख के लाती है हमारे सामने तो हम लोग बेहद खुश होते हैं और बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो इसको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। जब ये पोइम लिखती है तो ये अक्सर हमें गा के सुनाती है, तो इसको लगता है कि ये सॉन्ग है। तो मतलब वो ये अपनी पोएट्री को कैसे सिंगिंग के साथ कोरिलेट करती है, ये मतलब वी आर रियली सरप्राइज्ड बाय इट। जैसे इसके बाद इतनी क्रिएटिविटी है, तो आप इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो अपनी तरफ से? आप लोग माँ बाप की तरफ से क्या कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई में तो बहुत अच्छा कर रही है ये, और इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इसके कॉन्सेप्ट्स, हर चीज़ को जब तक ये अच्छी तरह से समझ नहीं लेती है तब तक ये खुद ही आगे नहीं बढ़ती है। और इसको हम लोग म्यूज़िक क्लास, इसको गिटार सिखा रहे हैं फ़िलहाल, बाकी ये खुद ही यूट्यूब से देख के कुछ ना कुछ सीखती रहती है। आर्ट का इसको काफ़ी शौक है, एनिमेटेड ड्राइंग करती है ये, और सिंगिंग तो ये करती रहती है। काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसमें कैरियोके भी चलता है, और इस तरह के कुछ ना कुछ करती रहती है। मतलब शिकीब सर से बिज़ी, क्योंकि इसको अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ।